खबर राजस्थान के रानी पाली से है, जहां बीते दिनों में फालना रोड रानी कस्बे में लाखों की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों 24 लाख रुपए की चोरी की वारदात होने से रानी थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर 7 आरोपियों की पहचान हुई थी, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बाइक भी बरामद हुई है। रानी पाली से जुगल किशोर बावल की रिपोर्ट। किया गया, हालांकि इस मात्र सीसीटीवी फुटेज से भी कोई क्लू डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो थाना रानी और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम डीएसटी और साइबर टीम, पुलिस थाना नाना, इन सब के सहयोग से अपराधियों को दस्तियाब किया गया है। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी, जिसमें 13,70,000 के करीब कैश और ज्वेलरी है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चोरी किए गए हैं। गोदरेज की सेफ को उन्होंने लगे से तोड़ा था, तो अपराधियों की कार्यशैली से भी लगा था कि ये कोई सातिर अपराधी हैं, और एक्सपर्ट जिसको कहना चाहिए उस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया था। पर इस वारदात को खोलने में पुलिस ने उतनी ही अपनी वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करते हुए बड़ा एक्सपर्ट तरीके से और त्वरित काम किया। इतनी बड़ी वारदात को बहुत ही अल्प समय में खोलने में हमारी थानाधिकारी पन्नाराम जी और डीएसटी टीम, पुलिस थाना नाना और डीवाईएसपी साहब का भी सुपरविजन रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुन्नाराम जी भी मौके पर पधारे थे और उन्होंने भी जो साक्ष्य के आधार पर निर्देश दिए, जिसके कारण से ये अपराधी गिरफ्तार हुए।